ठीक दो महीने पहले की बात है। पिछले साल 1 नवंबर को आधी रात को IIT BHU की बीटेक की छात्रा अपने हॉस्टल से बाहर घूमने के लिए निकली थी। जब वो कुछ दूरी पर पहुंची तो चौराहे पर उनका दोस्त मिल गया। वो दोनों करमन वीर बाबा मंदिर के पास थे। तभी बुलेट बाइक पर सवार 3 लड़कों ने दोनों को रोक लिया। बाइक सवार उन तीनों लड़कों ने छात्रा और उसके दोस्त को डराया, धमकाया और उनके साथ मारपीट की। वो बदमाश उस छात्रा को अलग ले गए, लड़की के कपड़े उतरवाए, उसे किस किया और नग्न अवस्था में उसका वीडियो भी बनाया। इतना ही नहीं, जाते जाते वो छात्र से उसका मोबाइल नंबर भी ले गए और ये कहते हुए फिर धमकी दी थी कि अगर इस घटना का जिक्र किसी से किया तो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इस दौरान छात्रा उन लड़कों के बीच 10-15 मिनट तक फंसी रही और लड़कों से छोड़ दिए जाने की गुहार लगाती रही। बाइक सवार उन लड़कों के जाने के बाद छात्रा ने किसी तरह पुलिस से इसकी शिकायत की। छात्रा ने अपनी शिकायत में कहा कि तीनों लड़कों ने उससे गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाए थे और कपड़े उतरवाने के बाद उसका वीडियो भी बनाया। लंका थाने में IPC की धारा 354, 506 और 66 IT Act के तहत मुकदमा दर्ज किया। जैसे ही इस घटना की खबर कैंपस में बाकी छात्रों को लगी तो बवाल मच गया। छात्रों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कैंपस को छात्रों के लिए सुरक्षित बनाए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने CCTV फुटेज और सर्विलांस की मदद ली। BHU परिसर और गेट पर लगे 100 से ज्यादा CCTV फुटेज को देखा गया, खंगाला गया, जिससे तीनों आरोपियों की पहचान हो सके। घटना के समय इनके फोन नंबर भी चालू थे। इसकी मदद से पुलिस उनके लोकेशन ट्रेस कर रही थी और आखिरकार घटना के करीब 2 महीने बाद जाकर गैंगरेप के तीनों आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान को पुलिस ने वारदात के करीब 2 महीने बाद उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस बुलेट को भी बरामद कर लिया है जिसके जरिए तीनों आरोपी कैंपस पहुंचे थे। कोर्ट में पेश किए जाने के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। DCP काशी जोन RS गौतम ने बताया कि पर्याप्त सबूतों के साथ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उनके मुताबिक अपराध में जिस बुलेट का इस्तेमाल किया गया था वो किसी संतोष नाम के शख्स की है, लेकिन कुणाल उसका इस्तेमाल करता था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने तीनों आरोपियों की पहचान घटना के 7 दिन बाद ही कर ली थी, लेकिन पुलिस इसका साफ जवाब नहीं दे सकी है कि आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी में इतना वक्त क्यों लगा। DCP राम सेवक गौतम ने मीडिया को बताया है कि इस घटना को लेकर हमारी जांच और तलाशी अभियान जारी है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने से पहले उन्हें समय देना हमारी रणनीति का हिस्सा था। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि आरोपी लगातार अपना ठिकाना बदल रहे थे। पहले उनकी लोकेशन मध्य प्रदेश और फिर लखनऊ में मिली। वारदात वाली रात बुलेट पर नंबर प्लेट नहीं थी, इसलिए बाद में उन्होंने बुलेट पर नंबर प्लेट लगाई ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके और जांच को भटकाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बीच पुलिस ने एक ट्रिक अपनाई, जानबूझकर मामले को शांत कर दिया ताकि मामला शांत पड़ता देख आरोपियों को कोई गलती का मौका मिले। जैसी पुलिस ने रणनीति बनाई थी ठीक वैसा ही हुआ। कई दिनों तक मीडिया में इस मामले पर कोई जिक्र नहीं हुआ और पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया तो आरोपी घर लौट आए। पुलिस इस मौके के इंतजार में थी। जैसे ही वो घर पहुंचे उन तीनों को दबोच लिया गया। पुलिस के मुताबिक तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और ये भी कहा है कि उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस तीनों अभियुक्तों के बारे में जानकारी जुटा रही है। ये पता करने की कोशिश कर रही है कि क्या इनका पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। जरूरी होने पर इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जा सकता है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।